गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोपहर हो रही है। मैं अपने किसी काम से बाहर गई थी, अभी फ्री हुई हूँ। सुबह से ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिल पाया मुझे, कर ही नहीं पाई। कोशिश तो की थी बट फ़ोन निकालने का मौका ही नहीं मिला। अभी फ्री हुई हूँ, मेट्रो स्टेशन पे आ गई हूँ, मेट्रो का वेट कर रही हूँ। जल्दी घर जाना है। आज सकट चौथ है, उसके बारे में मैं बताना भूल गई। मम्मा का फास्ट है आज, ये फास्ट भी बेटों के लिए होता है, दोनों ने फास्ट रखा है। रात को मैं रात की भी वीडियो नहीं बनाई। रात को मम्मी उठ के 3 बजे 4 बजे पानी वगैरह पीती हैं। एक्चुअली मैं इस बार मैं सोती रह गई थी, मैं उठी ही नहीं, तो ना उठी ना वीडियो बनाई। और अभी मैं जा रही हूँ घर। अब मैं जैसे मेट्रो आ जाए जल्दी से फिर घर जाती हूँ, घर जाकर मिलती हूँ। बड़ी बेसब्री से मेट्रो का इंतज़ार किया जा रहा, पर मेट्रो के आने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। फाइनली मेट्रो आते हुए, तो मेट्रो में बैठ चुकी हूँ मैं। और अनाउंसमेंट की आवाज़ होती है ना, मुझे अच्छी लगती है। कृपया दरवाजे से दाएं हटके खड़े होइए। टेन 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 है। मैं घर पहुंच चुकी हूँ, अब बहुत टायर्ड हूँ। सबसे पहले मैं कुछ खाऊंगी, मुझे लग रही है भूख। और यहाँ स्टार्ट हो चुकी है मम्मी की पूजा। मम्मी कह रही है वहाँ पूजा, अब मैं कर लेती हूँ पेट पूजा कि भूख लग रही है, कुछ खा लेती हूँ। पेट पूजा कर ली मैंने, और यहाँ पे मम्मी जो खाएंगी अपना व्रत खोल के, वो है कढ़ाई में शकरकंदी रख दी है। तो आज के फास्ट में शकरकंदी खाते हैं, शकरकंदी, गुड़, दूध, और ये स्टीम होगी। इसको हम ढक देते हैं और ये स्टीम होके अंदर ही अंदर, बस भाप कहीं से नहीं निकलेगी। तो ये अच्छी जैसे गैस के ऊपर होती है ना, शकरकंदी को आग जला के उसके ऊपर पकाते हैं, उसी तरीके से ये स्टीम होगी। तो एकदम मतलब अच्छी अच्छी टेस्ट आएगा। वो पानी के अंदर बॉईल करके भी खाते हैं बट वो उतनी अच्छी टेस्ट नहीं देती। ये मेरी नानी ने सिखाया था इस तरीके से बनाना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मम्मी भी खाएगी और हम भी साथ साथ खा लेंगे। तो अब ये होगा, तब तक हम ने कुछ और काम करते हैं। ये हम चेक कर लेंगे, तो ये स्टीम हो चुके हैं। इसमें मेहनत लगेगी कढ़ाई को छुटाने में। एक थोड़ा सा देख लेती हूँ, तो बस थोड़े से और स्टीम हो जाए। यहाँ जब तक हमारा ये बैगन पक रहा है, हम सब लोगों के लिए बनेगा बैगन का भरता। मम्मी खाएगी शकरकंदी, हम खाएंगे बैगन का भरता। दूध भी रख दिया मम्मी के लिए गर्म होने के लिए। सेट हो चुका है, बस सब चाँद निकलने का वेट है। जैसे ही चाँद निकलेगा मम्मी की प्लेट रेडी कर देंगे और फिर वो दूध पी लेंगी, मतलब फास्ट खोल लेंगे। मिठाई खाएंगी, कुछ अनाज आज नहीं खाएंगी, जो भी खाएंगे वो कल खाएंगे। नमक, अनाज, आज सिर्फ शकरकंदी और दूध एक गिलास या चाय। तो अभी अभी खबर आई है कि चाँद निकल चुका है, तो मम्मी अपनी प्लेट रेडी कर रही है और हम जा रहे हैं सब, मैं और मम्मी जा रहे हैं छत पे। मम्मी ने अपनी प्लेट रेडी कर ली है और अभी कर रही हैं, उठा लो प्लेट। सो हम जा रहे हैं छत पे। वो निकले चंदा मामा बिल्डिंग के पीछे, एकदम छुप जा रहे हैं। तो छत से नीचे आ गए, मम्मी को दे दिया, चाय भी दे दी, दूध भी दे दिया। मम्मी ने अपना व्रत भी खोल लिया और अब हम खाएंगे सब खाना। मम्मी तो सुबह ही खाएंगी। तो मैं अपना ब्लॉग भी आज कहीं एंड कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।